एक बार फिर यहाँ आए हुए आप सभी दर्शक बंधुओं का भोजपुरी विकास मंच, हिंदी विकास मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। आज ये होली मिलन समारोह जो आयोजित किए हिंदी विकास मंच के सभी पदाधिकारीगण, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप देख रहे हैं अनिल यादव म्यूजिकल ग्रुप, मैं हूँ उस कार्यक्रम का होस्ट और आपका दोस्त संजय यादव शाही। पूरे ग्रुप की तरफ से आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन है। कहा गया है कि जो चले गए जमाने में वो दिखाने नहीं आते, कि जो चले गए जमाने में वो दिखाने नहीं आते, नए तो हर रोज आते हैं पर पुराने नहीं आते। कि जो चले गए जमाने में वो दिखाने नहीं आते और नए तो हर रोज आते हैं पुराने नहीं आते। और ऐ लकड़ी के घरों में दीपक जलाने वालों, अगर आग लग जाए तो आजकल के जमाने में पड़ोसी बुताने भी नहीं आते। ये घोर कलयुग आ गया है। यहाँ आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन। हिंदी विकास मंच बड़ोदरा की तरफ से चल रहा है और एक अरसे से यही सब चल रहा है और आज भी होता है। बीच चौराहे पर सीता हरण, जबकि रावण मुद्दतों से जल रहा है। प्रोग्राम में जो पछ फोन कर राजेश बोलो, कहा गया है कि नवी के दर पर मुकद्दर बनाए जाते हैं, कि नवी के दर पर मुकद्दर बनाए जाते हैं और शहर में उन लोगों बनाए जाते हैं। और मदीना का तो फायद है साहिल, जहाँ फकीर भी सिकंदर बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और मैं आवाज चुका उस प्यारे से फनकार को, उससे पहले कह रहा है तुम चेहरे की क्या बात करते हो, पूरा खोल बदल के रख देंगे। तुम चेहरे की बात करते हो, पूरा खोल बदल के रख देंगे। इतिहास की बात छोड़ो, पूरा भूगोल बदल के रख देंगे। सिंध से लेकर लाहौर तक बहेगी गंगा, पाकिस्तान के सीने पे लहराएगा तिरंगा। बम गोला बारूद कोई ना चिल्ला के हिंदू है के मुसलमान, यह बताओ खातिर हम आ रहे हमारे पटना से पाकिस्तान। ठीक बाना भैया, तो जोरदार तालियों के साथ कहा गया है कि मैं तो वैसे कि पहाड़ों को भी होश आ जाए, कि मैं तो वैसे कि पहाड़ों को भी होश आ जाए। और आए मेरे दोस्त तालियां दो ऐसे कि हम कलाकारों को भी जोश आ जाए, जोश आ जाए, जोश आ जाए। मैं आवाज दूंगा सुपर स्टार सुर संग्राम के विजेता आप आलोक आलोक उमरी। भगवान ऐसा ही कहरा के तरक्की दे, बहुत आगे बढ़ा भाग। का भाई ठीक बा, नीक लागत का तनी सा कुछ भोजपुरियों में बोलने का, भोजपुरी बोल रही महाराजा जी लाला। हेलो हेलो, का हो भैया? है है, पहले तो हम आलोक मां सब लोग के गो लगा तेरे प्रणाम करते नहीं। आप लोग दोनों हाथ उठा के हमने का आशीर्वाद दे दी सब लोग। ये भाई लबा देखी, आज बड़ी खुशी की बात है भैया कि आज ये गुजरात के धरती पर, बड़ोदरा के धरती पर आज हम सब परिवार, एक भोजपुरिया परिवार, एक गुजराती परिवार, मराठी परिवार, हिंदी परिवार, सब एक साथ बनी जा। और आज के दिन तो वह बाटे पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में आज होली के रंग चढ़ल बा। और सबसे बड़ा श्रेय हम देव हमारे बड़े भैया, मेरे गार्जियन समान
मेरे पिता समान हमारे माने अजय भैया, अजय शुक्ला भैया और उद्धव भैया और जितेंद्र राय भैया और हमारे जितने भी परिवार हैं सबको मेरा सादर प्रणाम है। और कहे कि देखिए सुर संग्राम, जहां सुर संग्राम के बात आवेला ना, रियलिटी शो के बात आवेला, अनिल भैया आप भी सुनिएगा, जहां सुर संग्राम के बात आवेला ना, तो आज आलोक कुमार जो भी कुछ गाता है जो भी कुछ बजाता है तो सिर्फ आप लोग के बदौलत। कहे कि सुर संग्राम में यदि मुझे प्यार नहीं देते, आशीर्वाद नहीं देते, वो सबसे बड़ी चीज मोबाइलवा से एसएमएस नहीं करते ना, तो शायद आलोक कुमार सुर संग्राम का कभी भी नहीं करते। ये सबसे बड़ा श्रेय आप लोग का है। तो चलिए हम तो ज्यादा टाइम लेब ना, कहे कि यहाँ टाइम के पाबंदी भी बढ़ी बटे यहाँ। और अजय भैया कहाँ है, बाद रंगारंग कार्यक्रम स्टार्ट हुए और उद्धव भैया के भी हम बुलावे चाहब और जितेंद्र भैया के भी हम एक मिनट हम बुलावे खातिर हम चाहब। क्या कि बड़ोदरा के धरती पर पहली बार ऐसा कोड़ा भोला होली महोत्सव भैया, हम चाहब कि तीनों भाई एक साथ आ जाए तो बड़ा अच्छा लगे। उद्धव भैया, अच्छा उद्धव भैया नहीं है, ठीक 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 आ जाए, आ जाए भैया। और माननीय हमारे डीएन ठाकुर सर जहां भी हो आप आ जाइए। और बाकी और हमारे माननीय गौर भैया तुम मेरा सादर पढ़ाओ। थैंक यू भैया। एक बार जोरदार ताली बजा दी सब भैया खातिर, सब 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 लोग। चलिए भोजपुरी, यहाँ कौन कौन समझते हैं भोजपुरी, क्या कि यहाँ सब सारे लोग तो हिंदी समझते हैं ना, अच्छा सारे लोग भोजपुरी समझते हैं, वाह। चलिए मैं हिंदी भी गाऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं गुजराती में भी गाना गाया हूँ, मैं 7 भाषा में गाना गाया हूँ भैया, कोशिश करूंगा कि एक लाइन सब भाषा में सुना दूं। चलिए अच्छे सिंगर, मैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूं। अनिल भाई आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद माता का। एक भक्त माई के दरबार में कहा था कि ये माई माई हो कि माई के ममता के कितना बखान करी, इसी श्री के जर सुन ¡Gracias!